Morning student, today we shall study about the first poem, that is the Dust of Snow. First poem है आपके syllabus की Dust of Snow. किसके द्वारा compose की गई है? Robert Lee Frost के द्वारा. ये क्या थे? American poet थे. देखिए पहले जानते हैं poem के बारे में और poet के बारे में. Robert Frost, a well-known American poet of nature, प्रकृति के जाने माने वो एक American poet थे. In this poem presents a movement that seems simple but has a larger significance. उन्होंने बताया इसमें कि एक movement जो बहुत ज़्यादा छोटा सा था लेकिन बहुत ज़्यादा significance था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था उनकी life में. It is highly symbolic poem. One day the poet was in depressed mood. एक दिन जब poem जो poet है वो बहुत ज़्यादा depressed mood में होते हैं, बहुत ज़्यादा निराशा से भरे हुए होते हैं. A pleasant thing happened in a tree. एक अचानक से काम ऐसा होता है, it changed the poet's mood, जो क्या होता है उसके poet के mood को change कर देता है. It saved the rest of the day for the poet, और जिससे उनका पूरा दिन, जो बाकी बचा हुआ दिन है वो बच जाता है. देखिए poem. The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. यहाँ पर हेमलॉक ट्री कौन है? हेमलॉक ट्री जो है एक विषैला पॉइजनस ट्री है हेमलॉक का, उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है. दोनों ही कि इसकी नेगेटिव चीज़ से काउंट किए जाते हैं कि कौवे को हम डेथ से जो है सिंबलाइज करते हैं, और जो हेमलॉक ट्री है वो भी एक क्या है, विषैला ट्री है. तो वो कह रहा है कि वो जो कौवा बैठा हुआ है उसने क्या करा, एक दिन वो उस पेड़ के ऊपर हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठकर उस पे जो बर्फ़ पड़ी हुई है उसको हिलाकर मेरे ऊपर एकदम से गिरा देता है. द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ पड़ी हुई है वो उसको एकदम मेरे ऊपर गिरा देता है. कभी कहाँ खड़ा है? उस पेड़ के नीचे. पोएट उस पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं और उसके ऊपर से जो कौवा है वो एकदम पेड़ को ऐसे हिलाता है, जिससे पेड़ को एकदम हिलाता है जिससे उसकी क्या होती है, एकदम से उसका मूड चेंज हो जाता है. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dreamed. अब इसमें जो है वो कहता है पोएट कि उसके इस काम से क्या हुआ कि उसका एकदम जो उसका पैसिमिस्टिक एटीट्यूड था, वो जो डिप्रेस था, उसके कौवे के उस काम से उनका मूड विद इन अ सेकेंड चेंज हो जाता है. स्टूडेंट, इट इज़ डिपेंड ऑन योर थिंकिंग कि आप किसी चीज़ को कैसे ले रहे हैं. आप उस मोमेंट को हैप्पीनेस में ले रहे हैं या डिप्रेस में ले रहे हैं. इसमें पोएट कहता है कि ये कुछ भी मायने नहीं करता कि हम लोग जैसे पुरानी कहावतें हैं, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस चीज़ें होती हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो अपशगुन होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इट इज़ नथिंग हैपन. ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी अपनी थिंकिंग पर कि हम उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं. और यही बात इस पोयम में जो पोएट है वो कहने की कोशिश करते हैं. इवन कहते हैं ऑल ऑफ सडन अ क्रो कम्स फ्रॉम नाउवेयर. द क्रो सिट्स ऑन अ पॉइजनस हेमलॉक ट्री. जो क्रो बैठा हुआ है पॉइजनस हेमलॉक ट्री पर, तो उसने क्या करा, द मूवमेंट ऑफ द क्रो ब्रिंग सम डस्ट ऑफ स्नो डाउन. उसने अचानक से उसके उस मूवमेंट से जो है पोएट की जो पूरी थिंकिंग थी, पोएट का जो पूरा डे था वो बच गया. इसमें कहता है वो इसमें जो एक्सप्लेन वो आके कहता है कि दिस फेलिंग्स ऑफ फाइन डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम ग्लैडनेस. उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस मोमेंट से. अ चेंज कम्स इनटू हिज मूड्स, हिज मूड ब्राइटन्स ऑल ऑफ अ सडन एंड द पोएट रियलाइजेस दैट द होल डे हैज़ नॉट गॉन वेस्ट, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द डे हैज़ बीन सेव्ड. और वो ये भी कहता है द एक्ट ऑफ द फैलिंग ऑफ द फाइन डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम हैज़ चीयर्ड हिज हार्ट एंड मूड. इससे क्या हुआ, जो पोएट का पूरा दिन था, रेस्ट ऑफ द डे जो उसका पूरा बचा हुआ दिन था बाकी, वो उसके इस मोमेंट से, किसके, क्रो के उस मोमेंट से वो हैप्पीनेस में चेंज हो गया. तो इसमें वो कह रहा है कि हमें जो है जो चीज़ हम पे अप्लाई होती है, जब हमें जब तक किसी भी बात पर, किसी भी सुपरस्टिशियस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, जब तक कि हमारे साथ वो खुद ऐसा हुआ हो या ना हो, हमारे साथ जैसा होता है, हमारे ऊपर जैसा अप्लाइजेशन होता है, हमें वैसे ही उस चीज़ को लेकर रिएक्ट करना चाहिए. ये पोयम स्टूडेंट्स आपको अपनी, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेजूंगी, इसकी ये पोएम्स की जो लाइन है आपको अपनी रीडर की जो आपकी कॉपी है फर्स्ट लिटरेचर की, उसमें इन पोएम्स की लाइनों को और इस पोएम को कंप्लीट करना है वर्क. इससे रिलेटेड फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. थैंक यू.